गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके ओके, टुडे चैप्टर इज पीपल एज अ रिसोर्स। देखिए, लास्ट चैप्टर में भी हमने आपको बताया था कि प्रोडक्शन के जो सोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने आपका नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा, लेबर पढ़ा, फिजिकल रिसोर्सेज पढ़ा। इसके बाद जो मेन रिसोर्सेज आता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स कंपेरेटिवली अदर रिसोर्सेज, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो ऑल द रिसोर्सेज आर यूजलेस। क्योंकि अगर किसी भी चीज को यूज करने के लिए कोई पर्सन ही नहीं है तो उस रिसोर्सेज का होना और ना होना उस वक्त बेकार होता है। तो इसलिए हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2, पीपल एज अ रिसोर्स, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है। और उसमें ये बताया गया है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो हमारे को कितना नुकसान है, अगर है तो हमारे को कितना फायदा है। इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स एज ए लाइबिलिटी भी बच में है और एज अ लाइबिलिटी और एज अ यस ह्यूमन रिसोर्स एज अ लाइबिलिटी एंड एज अ एसेट्स, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ अनक्यूट वे ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, द एबिलिटी ऑफ पीपल टू एंगेज इन एक्टिविटी विच प्रोड्यूस गुड्स और गिव सर्विसेज मेक देम यूजफुल मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लोर the concept of human capital and how investment in human capital can contribute to the economy। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सब चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग रीड करेंगे। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है और किस तरीके से हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, द कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर, उसका क्या रोल है, और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अपने ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से यूटिलाइज करती है और उस पर किन किन चीजों पर इन्वेस्टमेंट करती है, वो है इट लुक्स एट द रोल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉपुलेशन के ऊपर मेनली तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है, नंबर वन एजुकेशन, नंबर टू हेल्थ एंड नंबर थ्री डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। नंबर थ्री में आप मेनली आप लिखोगे ट्रेनिंग मेथड, यानी कि वहां के लोगों को किसी ना किसी चीज की ट्रेनिंग देकर उनको इस लायक बनाया जाए कि वो अपना खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके और साथ ही और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। इसके बाद इट इज आल्सो लुक्स एट द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इश्यू ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर सभी लोग अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो पोजिशन होगी वो भी बहुत कम होगी। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन आना किसी भी कंट्री के लिए बहुत नुकसानदेह चीज होती है, उसकी इकोनॉमी के लिए भी और उसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन एक एसेट्स का तौर का काम करती है और अगर उसी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो उस कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी मीन्स ह्यूमन पावर जो होती है उसका मिसयूज होता है। नंबर टू, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो लॉस होती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। प्रोड्यूसिंग गुड्स और गिविंग सर्विसेज मेक देम यूजफुल मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी, द कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ, द चैप्टर एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड हाउ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल
कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं या इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन या इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर इन लोगों का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल एंड हाउ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन कॉन्ट्रीब्यूट द इकोनॉमी, कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है, अपना रोल प्ले करती है। तो The chapter explores the concept of human capital and how the investment in human capital can contribute to the economy. It looks at the role of education and health in determining the quality of population. It also looks at different economic activities and tries to understand the issue of unemployment. समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि गवर्नमेंट की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन सोर्स है उसके ऊपर हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही चीज़ों पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, उनको इस लायक बनाए कि वो अपने लिए भी एम्प्लॉयमेंट सर्च कर सकें और औरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो इसीलिए कहा गया कि इट्स लुक लाइक अ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को दूर कर सकें या उसको समझ सकें। अब आता है पीपल एंड एसेट्स। देखिए एसेट्स और लाइबिलिटी दो चीज होती हैं। एसेट्स यानी कि आप आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि बाकी लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके ऊपर है, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रिसोर्सेज आर एसेट्स विच कैन बी यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यानी कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में, और उसको कंट्रीब्यूशन क्या होता है उसका, उसका कंट्रीब्यूशन होता है लोगों की लिविंग लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव बनाना। देखिए रिसोर्सेज आर एसेट्स, यानी कि रिसोर्सेज वो एसेट्स हैं, जब तक हमारे पास सपोज कीजिए रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज को फाइनल गुड तैयार नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल का है एक रिसोर्स, उससे हम क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी या फिर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, और ह्यूमन रिसोर्स अगर हमारी हेल्थी और एजुकेटेड है तो वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी, सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करेगी और अपने साथ साथ और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो जो है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो जो है वो कम होगी। तो साथ ही साथ जब लोगों की अर्निंग होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। अगला हमारा आता है व्हेन वी से पीपल आर रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स वी मीन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज इन द पॉपुलेशन विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ल्ड प्रोडक्शन। आई रिपीट, when we say the people are resources of human resource, we means that skill and capability, yani ki this is a part of education and training method. Agar hamare human resource ya people ya log well educated hain, well skilled hain, to unke andar wo capability hoti hai ki wo apne sath sath aur logo ko bhi employment provide kara sake और प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर सके। थर्ड में आपका आता है अ ह्यूज पॉपुलेशन कैन बी डिटरमाइंड एज वी नीड मोर रिसोर्सेज लाइक फूड हेल्थ फैसिलिटीज टू सपोर्ट देम। हाउएवर लुकिंग एट दिस पॉजिटिवली, अब देखिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उनको जो जरूरत होती है वो किस चीज की होती है, मोर रिसोर्सेज लाइक फूड हेल्थ, ठीक है। अब एक हेल्थी पॉपुलेशन के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब हेल्थी पॉपुलेशन होने के साथ साथ उस हेल्थी पॉपुलेशन को एजुकेटेड भी होना बहुत जरूरी है। अगर वो वेल एजुकेटेड नहीं होगी और अच्छी हेल्थी नहीं होगी तो वो कभी भी एक एसेट्स के तौर पर प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएगी, और अगर वो सही तरीके से हेल्थी होगी
एजुकेटेड होगी तो वो अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। अ कंट्री विद इंजीनियर्स कैन प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू अ कंट्री विद ओनली फार्मर्स। अब देखिए, हाईली एजुकेटेड इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज को, जो कि किसकी मदद करती हैं, फार्मर्स की, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा टूल्स यूज करके अच्छी से अच्छा प्रोडक्शन कर सके। इट मीन्स वो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन करती हैं। इसके बाद हमारा आता है द पॉपुलेशन इज एन एसेट सिमिलर टू द कैपिटल एंड इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल। तो जब कोई पॉपुलेशन एक एसेट्स के तौर पर हमारे को मिलती है तो वो कैपिटल के तौर पर उसको हम एक ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि द पॉपुलेशन इज एन एसेट सिमिलरली टू द कैपिटल एंड इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल। लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन प्रोवाइड अ ग्रेटर रिटर्न। Moreover, human capital can be used along like teacher or musician, unlike physical capital. Physical capital में क्या है, आपने उसको खरीदा, अपने पास रख लिया, establish कर दिया, चाहे बिल्डिंग बना दी, मशीनरी ले ली, कुछ भी कर लिया, या फिर रॉ मटेरियल और मनी, वो अपने आप तो काम करेंगे नहीं, उनको काम करने के लिए किसकी जरूरत है, ह्यूमन कैपिटल की। और ह्यूमन कैपिटल ही अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और अच्छा रिटर्न भी दे सकती है, बट एक कंडीशन आती है कि वो वेल हेल्थी और अच्छी एजुकेटेड होनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक आता है एजुकेशन। सो एजुकेशन बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जॉब ट्रेनिंग एज विद थ्रू विच ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल। देखिए, हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन होना भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उनको जॉब ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो सही साबित हो। बिकॉज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन कैन टेक अप हाईली पेइंग जॉब्स, ए वेल ट्रेन्ड वर्कर्स कैन बी मोर प्रोडक्टिव, डू मोर वर्क एट लेस टाइम। इट मीन्स अगर हमारी वर्कर अच्छी हेल्थी है तो वो ज्यादा से ज्यादा काम को कम से कम समय में करने की हिम्मत रखती है। क्यों? क्योंकि वो वेल एजुकेटेड भी है और अच्छी हेल्थी भी है। एंड हेल्थी वर्कर्स कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर। और जो लोग अच्छे हेल्थी होते हैं वो अच्छे समय तक काम को कर सकते हैं, या काम को या अपनी जॉब को काफी लंबे टाइम तक चला सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए, जब हम कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, उसके अपने पर्सनल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। जब दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है और वो अच्छी हायर इनकम करता है और उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड मोर प्रोडक्टिव एंड बेटर क्वालिटी वर्कर्स, जिससे कि हमारी सोसाइटी को उसका बेनिफिट क्या मिलता है, अच्छे प्रोडक्टिव वर्कर्स मिलते हैं, उनकी बेटर क्वालिटी वर्कर्स मिलते हैं, और साथ ही साथ सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो भी इंप्रूव होता है। नाउ द नेक्स्ट इज अ एग्जांपल इन द टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल दे हुए, स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी। We saw how the two boys from the village of same age and circumstances end up in different places in the future. One boy had access to education and healthcare and was able to become a software developer and got a good job. Other boy lacked access to the both medicines and did not receive a good education. He continues to remain poor. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेक वन स्किल्ड। द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्रीज इंप्रूविंग द टोटल प्रोडक्टिविटी हायर प्रोडक्टिविटी।
contribute to the growth of the economy such as individual gets the higher wages. अब देखिए जब हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इट मीन्स हम उस शख्स को या उस बच्चे को या उस व्यक्ति को एक ऐसी ट्रेनिंग और एक ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं जिससे कि वो अपना क्वालिटी ऑफ वर्क इंडिविजुअली इंक्रीज कर सके और इम्प्रूव कर सके टोटल प्रोडक्शन को. जब हाईली प्रोडक्शन होगी और हाईली प्रोडक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी वेजेस भी ज्यादा होंगी और अच्छी हायर पे जॉब वो पा सकते हैं individually. Not investing in people cause them to be unskilled and thereby have low productivity. They continue to learn low wages. It means जब हम लोगों के ऊपर किसी कारण से उनको invest नहीं कर पाते हैं, वो unskilled रह जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, उनकी अर्निंग भी कम होती है. जब उनकी अर्निंग भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इतना अच्छा नहीं होगा कंपेरेटिवली वेल हेल्थी एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर. तो वर्चुअस एंड वेसियस स्किल साइकिल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वेल एजुकेटेड पेरेंट्स रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, गुड हेल्थ एटसेट्रा. They provide their children with these investments and keep enable them to earn high. The cycle is a virtuous cycle. It means आप देखोगे ऐसे parents जिनको पता है कि education की importance क्या है और उनके पास इतना पैसा भी है थोड़ा बहुत कि जिससे कि वो अपने बच्चों को education दिला सकें, उनकी health का ध्यान रख सकें और उनको कोई ना कोई skill कराकर इस लायक बनाएं कि वो अपने earning खुद कर सके. इसको हम वर्चुअल साइकिल कहते हैं. वेस्कस साइकिल के अंदर व्हेन द पुअर पेरेंट्स आर अनेबल टू इन्वेस्ट इन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेटली. अब देखिए वो जो हमने दोनों स्टोरी पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, उन दोनों स्टोरी की ये डिटेल है. दिस मे बी आइदर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज और बीइंग अनअवेयर द बेनिफिट द चिल्ड्रन ऑल्सो हैव लो स्किल एंड अर्न लो. यानी कि अगर बच्चे सही नहीं होंगे, अच्छे हेल्थी नहीं होंगे, वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, तो उनके लैक ऑफ रिसोर्सेज भी उनके साथ ही रहेंगे, अनअवेयर रहेंगे कि उनको बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है. तो इस तरीके के बच्चे जो हैं वो लो स्किल और अर्न लो रह जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्किल होती है और जो अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है. नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज. ये मैंने आपको बताई थी, एक के अंदर हमारा परफॉर्म फॉर बेनिफिट और एक के अंदर विदाउट लॉस एंड विदाउट बेनिफिट. अब सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच एड द वैल्यू ऑफ नेशन इनकम, द आइदर प्रोड्यूस अ न्यू वेल्थ और प्रोवाइड अ सर्विसेज. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि नेशनल इनकम में उनकी रोल होता है, उनको ऐड किया जाता है. अब तीन तरीके के सेक्टर्स हैं. दीज आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज एज पर द फॉलोइंग टेबल, जिस तरीके आपके टेबल के नीचे लिखा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर और एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको हम कह सकते हैं. सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी के अंदर इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. टेरिटरी सेक्टर ऑफ एक्टिविटी इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज को हम लोग देखते हैं. इसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीजें आती हैं. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आप क्या लिखोगे? देखिए प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर यूज द रॉ मटेरियल एंड मेकिंग द फाइनल गुड. सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, इसलिए सेक्टर को हम कहते हैं. And tertiary sector provide the services both the sectors, primary and secondary. So which type of services provided? Communication, tourism, transport services, banking, insurance, etc. तो इस तरीके के ये तीनों ही sectors जो हैं जिनका की बहुत important role है किसी भी country की economy के अंदर. अब देखिए ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वैल्यूएबल बिकॉज दे कंट्रीब्यूट द नेशनल इनकम.
However, society may not provide income in individuals. Activities which provide income or remuneration to individuals who perform them are called the marketing activities. जिसमें हमारी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, यू नो वेरी वेल. देन इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पे लाइक सैलरी और वेजेस और प्रॉफिट. सो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी ये सारी चीजें हमें मिलती हैं और प्राइवेट सर्विसेज में मिलती हैं. और हमारे जो हम प्राइवेट सर्विस हो, हमारी अपनी कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल एंड सर्विसेज परफॉर्म फॉर पे. नेक्स्ट हमारा आता है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज. नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर डू नॉट गिव द इंडिविजुअल एन इनकम, दीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन. एग्जाम्पल, अ पर्सन बिल्डिंग अ हाउस फॉर देमसेल्फ, अ फार्मर प्रोड्यूसिंग क्रॉप टू फीड देयर फैमिली. देखिए, इसके अंदर आपके मदर का एग्जाम्पल भी आ सकता है, वो आपके लिए घर के काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपकी देखभाल करती हैं, तो वो आपसे ना तो आप उनको कुछ पैसे देते हैं ना वो आपसे लेती हैं. ठीक है, ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गई. हमने अपना घर बनाया, वो भी हमारे लिए अपना पर्सनल है. एक फार्मर प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन को, क्रॉप्स को, तो वो अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करता है. अब इसी के अंदर देखिए, हमने एक घर बनाया रहने के लिए और उसको किराए पर उठा दिया, तो वो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गई. एक फार्मर ने प्रोडक्शन किया, क्रॉप ग्रो की, और उसके प्रोडक्शन में फैमिली फीड के बाद सरप्लस प्रोडक्शन बचता है, तो वो उस प्रोडक्शन को मार्केट के अंदर सेल करेगा, तो वो भी मार्केटिंग एक्टिविटी हो जाएगी. क्लियर? तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स को दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, बट सम चेंज द सिचुएशंस. कल्चरली मोस्ट मार्केट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय मैन, वुमेन आर मोर लाइकली टू बी डूइंग नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, कुकिंग एंड क्लीनिंग एट होम, जो कि मैंने आपको बताया था अभी. सिंस दिस नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज बाय वुमेन्स आर नॉट पेड, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. हाउएवर, इफ दिस एक्टिविटी लाइक कुकिंग इज डन फॉर पेमेंट, देन इट इज इंक्लूडेड. अगर इनको इनको इसके बदले में पैसा मिलता तभी इसको इंक्लूड किया जाता. Education and skill determine how much pay a person receive depend on education, skill, कि किस तरीके से उसको पेमेंट की जाए. तो as skilled people can perform better than a person without any skill, women generally tend to have low skill and little education and hence are paid low wages. देखिए, सबसे बड़ी चीज है, चाहे मैन है या वुमेन है, अगर वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल स्किल्ड नहीं है, तो उनकी वेजेस भी इतनी अच्छी नहीं होगी कंपेरेटिवली अदर पर्सन. इसके बावजूद भी वुमेन्स की जो वेजेस होती हैं कंपेरेटिवली मैन कम होती हैं. अब दूसरा इशू क्या फेस करती हैं वुमेन्स, अदर इशू फेस बाय वुमेन्स, low skilled included lack of job security, no legal protection for their work, absence of benefit like maternity leaves, irregular income. Now the women may be paid like men if they are highly skilled and educated, they are present in high level administrative, science and technology jobs. देखिए, अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो अनस्किल्ड थी, अनएजुकेटेड थी, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी. लेकिन जो वुमेन्स हाईली पेड लाइक मैन इफ दे आर हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड, कैसे, वो हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में होती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स में होती हैं, आईपीएस होती हैं, आईएएस होती हैं, कंपेरेटिवली अदर मैन को अच्छी इनकम अर्न करती हैं,
बट रीजन उसके पीछे क्या है, बिकॉज दे आर वेल हेल्थी एंड वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड. अब हमारा आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. कैसे? नंबर वन एजुकेशन लिटरेसी रेट, नंबर टू हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नंबर थ्री स्किल फॉर्मेशन. समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइनिंग हाउ मच द पॉपुलेशन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम. इट इज डिटरमाइंड बाय थ्री कंपोनेंट्स लाइक लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन. तो हमारे तीन, अगर हम इसके अंदर देखें तो तीन कंपोनेंट आते हैं. नंबर वन हमारा आता है लिटरेसी रेट, नंबर टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नंबर थ्री स्किल फॉर्मेशन. अब एजुकेशन. एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट विच विल गिव रिटर्न लेटर इन फ्यूचर. नेक्स्ट, फॉर एन इंडिविजुअल एजुकेशन ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज एंड एड वैल्यूज. नेक्स्ट, फॉर सोसाइटी टू इम्प्रूव productivity and national income, cultural vibrance and the government efficiency. इसके बाद हमारा आता है universal access to education is desirable with good qualities, elementary education. Next हमारा आता है number of focus points like girls students are given special consideration. Number two, Navodaya Vidyalaya and government schools to provide the free access to education. नंबर थ्री स्किल ट्रेनिंग थ्रू वोकेशनल एजुकेशन. इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज रिमेन्ड एट 3%. लिटरेसी रेट आर एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन एट हैज इंक्रीज 18% ऑफ इन 1951, 17.4% इन 2010. अब देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, जो भी आपका लेटेस्ट डाटा है, जो भी आपकी नई बुक है उसके अंदर जो लेटेस्ट डाटा है वो आपको इसके अंदर मेंशन करके चलना है. लिटरेसी रेट आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. लाइक मेल लिटरेसी इज 16.6% मोर देन फीमेल लिटरेसी रेट. सेकेंड, अर्बन एरिया हैव 16.6% लिटरेसी रेट कंपेरेटिवली रूरल एरिया. डिफरेंट स्टेट्स में अगर हम देखें तो केरला 94% एंड बिहार 62%. बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब हमारा आता है स्कूल सिस्टम. स्कूल सिस्टम इंप्रूविंग लिटरेसी. सो एलिमेंट्री स्कूल्स, नंबर वन इंडिया हैज अ बिग नेटवर्क विद 8.41 लाख प्राइमरी स्कूल्स, बट देयर हैज बीन अ डिल्यूटेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड an increase in the rate of dropouts. Number two, central government intivate sarv shiksha abhiyan aims to provide the elementary education to children between the age of 6 and 14. Its aim to unreservize education at the elementary level. Other means to increase enrollment are bridge courses and back to school campus midday meals schemes. Midday meal schemes have been able to increase attendance, retain students and provide the adequate nutrition to students. अब देखिए higher education के अंदर अगर हम देखें तो people of age 18 to 23 go to the higher education. Gross enrollment ratio यानि कि GER target in the 20th 5-year plan 25.2% by 2017-18, 30% by 2020-21. A new focus in education including quality control, uniform circulation curriculum across the different states, vocational training usage to IT from 1950-51.
there were only 30 universities in India. Now 2015-16 we have more than 900. तो आज की क्लास में हम एजुकेशन तक ही पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके अंदर हेल्थ